नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट 5, जो कि आपकी रहेगी असेसमेंट फॉर लर्निंग की, यानी कि अधिगम के लिए आकलन। बीएड सेकंड ईयर का आपका ये सब्जेक्ट रहता है। रोहिल खान यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड सेकंड ईयर में हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यूनिट वाइज करा रहा हूँ, 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। कोई भी वीडियो आपकी बीएड सेकंड ईयर की, रोहिल खान यूनिवर्सिटी की, बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम है वो 20 जून से हैं और टाइम आपके पास बहुत कम है। हमारे चैनल पे आपको 2022 के भी यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रोहिल खान यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड ईयर के, लेकिन वो आपको नहीं देखने हैं, ठीक है। आपको जो मैं 2023 के न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वही आपको देखने हैं, क्योंकि कुछ माइनर चेंजेस हम इसमें कर रहे हैं और वो चेंज भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज आपको इसमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं कुछ आपसे बात करना चाहूँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको 2022 वाला पेपर करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको 2022 वाला जो आपका पेपर आया था रोहिल खान यूनिवर्सिटी में बीएड सेकंड ईयर का, वो भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका विद्या का क्वेश्चन बैंक है, जो कि आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग का है, ठीक है। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग का बीएड सेकंड ईयर का रोहिल खान यूनिवर्सिटी का विद्या का ये क्वेश्चन बैंक है। इसमें सबसे पहले आपको 2022 का जो आपका पेपर आया था असेसमेंट फॉर लर्निंग का बीएड सेकंड ईयर का, ये दिया गया है विद सॉल्यूशन, ठीक है। विद सॉल्यूशन ये आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर दिया गया है विद्या के क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। तो विद्या के हर एक क्वेश्चन बैंक में ऐसा है, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग में नहीं, ये सभी विद्या के क्वेश्चन बैंक में ऐसा है कि स्टार्टिंग में आपको 2022 में जो आपके पेपर हुए थे, चाहे वो बीएड फर्स्ट ईयर हो या फिर सेकंड ईयर हो, उसका आपको सॉल्यूशन दे रखा है विद क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन उसमें दिया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में आपको ये 2022 का पेपर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप ये पेपर करेंगे 2022 वाला, ठीक है। जब आप ये पूरा पेपर कर लेंगे जिसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर उसके बाद जो मैंने आपको यूनिट वाइज बताया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आप करेंगे, ठीक है। तो ये आपका विद्या का क्वेश्चन बैंक है। विद्या की पीडीएफ आपको कैसे लेनी है वो भी मैं आपको लास्ट में बता के जाऊँगा, और क्या क्या कंटेंट आपका बीएड सेकंड ईयर का हो चुका है अब तक, वो भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मैक्सिमम आपका कंटेंट हो चुका है, सिर्फ आपके सिर्फ दो पेपर ही बचे हैं और मैक्सिमम मैं आपका करा चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये आपका विद्या का क्वेश्चन बैंक है, ये मैं आपको एक बार पूरा दिखा देता हूँ। इसमें आपका जो न्यूमेरिकल भी आए थे, ठीक है, इसमें जो आपके न्यूमेरिकल आए थे उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक है, विद बहुत अच्छा एकदम प्रॉपर सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो वो भी आप सब लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये पहले आपका पूरा पेपर है, उसके बाद आपका यूनिट स्टार्ट होती है, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, या आपके फिर यहाँ पे यूनिट स्टार्ट हो जाती है, या आपकी यूनिट फर्स्ट है, ठीक है, फिर आपकी यूनिट वाइज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और प्रॉपर आपका ईयर भी मेंशन किया गया है इसमें, है ना, कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया है वो भी किया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 का यूनिट वाइज जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहता है वो आपका ये है, आइए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका रहता है वो आपका यह है कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार की क्या आवश्यकता है, या फिर परीक्षा प्रणाली या व्यवस्था में सुधार क्यों आवश्यक है। अपना उत्तर उदाहरण से दीजिए, या फिर वर्तमान परीक्षा प्रणाली में कमियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, नीड ऑफ रिविजन्स ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम, या फिर व्हाई डज एग्जामिनेशन सिस्टम नीड अ रिविजन, गिव योर आंसर विद एक्सप्लेन एग्जाम्पल्स, ठीक है। ड्रॉबैक ऑफ करंट एग्जामिनेशन सिस्टम, तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, स्मृति केंद्रित शिक्षण क्या है वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द मेमोरी सेंट्रिक टीचिंग एंड टेस्टिंग। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। तो यही थे आपके यूनिट 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिर्फ दो ही क्वेश्चन आपको यूनिट 5 में इंपॉर्टेंट देखने को मिले हैं। यूनिट वाइज में ज़्यादा क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट नहीं हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि मैं बीएड सेकंड ईयर का आपका क्या क्या पूरा कर चुका हूँ अभी तक, ठीक है। आइए बात करते हैं, ये आपकी डेट शीट है जिसमें आपको बताया आपके 20 जून से आपके एग्ज़ाम है, ठीक है। बीएड सेकंड ईयर की बात करते हैं कि मैं आपका क्या क्या पूरा करा चुका हूँ। आपका जो पहला पेपर रहता है वो फिज़िकल साइंस का रहता है, फिज़िकल साइंस के मैं आपके गैस पेपर करा चुका हूँ, ठीक है, वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। सोशल साइंस का जो आपका गैस पेपर मैं आपका ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है, ये भी पूरा हो चुका है।
टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस भी मैं आपका करा चुका हूँ, इसका गैस पेपर हो चुका है। टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इसका भी गैस पेपर हो चुका है, ठीक है। टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, इसका भी गैस पेपर हो चुका है। टीचिंग ऑफ संस्कृत, इसका भी गैस पेपर हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपकी पूरी करा चुका हूँ। टीचिंग ऑफ हिंदी, इसका भी गैस पेपर हो चुका है, ठीक है। टीचिंग ऑफ कॉमर्स, इसका भी गैस पेपर हो चुका है। और टीचिंग ऑफ होम साइंस, इसका भी गैस पेपर हो चुका है। तो आपके जो पैडागोजी के सब्जेक्ट हैं बीएड सेकंड ईयर के, उन सभी के गैस पेपर मैं आपके करा चुका हूँ। आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। प्लेलिस्ट भी बना दी है, नहीं देखे हैं तो देख लेना, ठीक है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, कौन कौन से पेपर हैं अभी रुकते जाओ, ठीक है। नॉलेज एंड कैरिकुलम, नॉलेज एंड कैरिकुलम का यूनिट वाइज कंटेंट, नॉलेज एंड कैरिकुलम का यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके करा चुका हूँ। पांचों की पांचों यूनिट करा चुका हूँ, जाके देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। असेसमेंट फॉर लर्निंग का आज पूरा हो गया है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का आज मैंने पूरा करा दिया है यूनिट वाइज कंटेंट, जाके देख लेना, प्लेलिस्ट इसकी मैं बना दूंगा, ठीक है। अब बचता क्या है, सिर्फ बचता है आपका पेंडिंग क्या है, आपका क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल आपका पेंडिंग है, ठीक है। क्रिएटिव इंक्लूसिव स्कूल आपका पेंडिंग है, और यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट पेंडिंग है, यानी कि बस आपके दो पेपर बचे हुए हैं, बाकी सब कुछ हो चुका है। सिर्फ ये दो पेपर आपके बचे हुए हैं, बाकी मैंने सब आपका कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। और ये पेपर कब है आपके, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल है आपका 7 जुलाई में, और एनवायरनमेंट है आपका 14 जुलाई में। तो भैया अभी एक महीना है पूरा का पूरा, एक महीना है अभी पूरा का पूरा, मैं इनको आराम से करा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। यानी कि आप लाइन लगा दो कि सर इंक्लूसिव स्कूल करा दो, सर एनवायरनमेंट करा दो, सर इंक्लूसिव स्कूल करा दो, सर एनवायरनमेंट करा दो, ऐसी लाइन नहीं लगानी है, करा दूंगा। एक महीना है, अब फोकस करूंगा मैं बीएड फर्स्ट ईयर पे भी, क्योंकि उनका भी बहुत कंटेंट अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बतानी थी। अब बात करते हैं थोड़े से विद्या के क्वेश्चन बैंक की, जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। बीएड सेकंड ईयर के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के ये कुछ आपके विद्या के क्वेश्चन बैंक हैं, ठीक है, जो आपके हिंदी लैंग्वेज में ही आते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये आपका अनसोल्ड दिया गया है, इसमें आपके 2017 से लेकर 2022 तक के क्या हैं, प्रीवियस ईयर हैं, जितने भी आज तक अभी तक आपके बीएड सेकंड ईयर के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी ने पेपर कराए हैं, वो सभी पेपर इसके अंदर है। इन पेपर का सॉल्यूशन इजी लैंग्वेज में आपके इन विद्या के क्वेश्चन बैंक में दिया गया है, हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो अगर आप ये विद्या की पीडीएफ बाय करना चाहते हैं तो आप ये मुझसे बाय कर सकते हो, ठीक है। ये सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये सभी पीडीएफ आप मुझसे बाय कर सकते हो, ठीक है। इन पीडीएफ को बाय करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445799336, है ना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज कर देंगे जिसको भी पीडीएफ बाय करनी है। हाय और हेलो कोई नहीं करेगा, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे क्या है, हाय और हेलो कर देते हैं और फिर कोई मैसेज नहीं करते हैं, तो हाय हेलो मैं नहीं देखता हूँ किसी का भी, पहले ही बता रहा हूँ। अपना पूरा मैं, अगर आप पीडीएफ बाय करना चाहते हैं तो पूरा मैसेज लिखा करो कि सर बीएड सेकंड ईयर की विद्या की सर बीएड सेकंड ईयर की विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ चाहिए, तो उसी मैसेज को मैं सीन करता हूँ। हाय हेलो को मैं सीन नहीं करता, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, हाय भेजते हैं। मैंने क्यों छोड़ दिया हाय हेलो का रिप्लाई करना, उसका भी कारण सुन लो। कुछ बच्चे हाय हेलो करते हैं, ठीक है, और जब मैं उनका रिप्लाई करता हूँ, हाँ जी बोलिए, तो सर एग्ज़ाम कब होंगे, सर मेरी प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनी, सर मैं क्या करूँ, सर मेरी मेमोरी वो हो गई है, सर पीडीएफ नहीं खुल रही है, सर मेरी मेमोरी फुल हो गई है। तो भैया आपकी मेमोरी को मैं कम करूँगा या आप कम करोगे, है ना। तो ऐसे नॉनसेंस वाले क्वेश्चन करते हैं, तो इसलिए मैंने हाय हेलो का रिप्लाई करना छोड़ दिया है। अपना पूरा एक जो आपको चाहिए वो बताओ, क्या आपको चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। जिसको भी पीडीएफ लेनी है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, उल्टे उल्टे मैसेज करोगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। आपका बस दो पेपर बचे हैं, इंक्लूसिव स्कूल और एनवायरनमेंट, वो हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन आते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ठीक है। और बने रहना है चैनल पे, जुड़े रहना है, अपना ध्यान रखना है, अपने घर वालों का ध्यान रखना है, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना है, और पढ़ते रहना है। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।